सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सीए सानिध्य सराफ एंड आपके एग्जाम का डेट्स आ चुका है एंड वी ऑल नो कि एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए हैं, इट इज ऑन शेड्यूल राइट। सो अब प्रिपरेशंस की घड़ी आ चुकी है, फुल फ्लैजेड वे में अपने को तैयारी करना होगा एंड अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने ये जो आखिरी के दिन बचे हैं ना, इसको हम किस तरीके से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकें। देखो जो हो गया उसको छोड़ दो यार, जो हो गया उसको छोड़ दो, अल्टीमेटली जो बचा है उसको कैसे यूटिलाइज कर सके, दैट इज द मेन थिंग। आई नो कुछ बच्चे इस एंटिसिपेशन में कि ठीक है यार एग्जाम्स डिले होगा, एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होगा, कुछ बच्चे इस एंटिसिपेशन में, शायद कुछ बच्चों ने कैजुअली भी ले लिया होगा अपने प्रिपरेशंस को, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, जो हो चुका है अपन उसका कुछ नहीं कर सकते, सो जस्ट लीव दैट। अब अपने को ये देखना है कि रिमेनिंग जो दिन बचे हैं उनमें किस तरीके से अपने को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए 35 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये 35 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्यों है सर, क्योंकि अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना तो करीबन 40 दिन बाकी हैं एग्जाम के लिए, बट मैं अज्यूम करता हूं कि आप वीडियो दो दिन बाद देख रहे हो, तीन दिन बाद देख रहे हो, चार दिन बाद देख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली मैंने बनाया है 35 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आप वीडियो आज के आज देख रहे हो तो अकॉर्डिंगली यू कैन डेवलप इट इनटू अ 40 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आप ये वीडियो 10 दिन बाद डेवलप कर देखोगे तो अकॉर्डिंगली आप सेम टेक्निक को यूज कर सकते हो एंड यू कैन मेक इट ए 25 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तो अकॉर्डिंगली आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो भी बातें हैं बहुत इफेक्टिव है एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज योर आउटपुट, दैट इज समथिंग आई कैन गारंटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डोंट फॉरगेट दैट। तो देखिएगा 35 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कुल मिलाकर चार चीजें हैं जिसका अपने को ध्यान देना है ऑडिट के, यू नो, अपने सीए के प्रिपरेशंस के लिए, अपने जर्नी के प्रिपरेशंस के लिए, आप चाहे इंटर में हैं, आप चाहे फाइनल में हैं, तो कुल मिलाकर आपने इन चार चीजों का ध्यान देना है सो दैट यू कैन अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स। तो ये चार चीजें कौन सी हैं सर? सबसे पहले वी हैव टू प्लान द टाइम अवेलेबिलिटी एंड टाइम एलोकेशन, ये बहुत जरूरी है। अगर आप रेंडमली बेसिस में पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो आप दो तीन घंटे बचा सकते हो, बट जो एंड रिजल्ट होगा बहुत हैपजर्ड होगा, आपको पता ही नहीं होगा आप कहां जा रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यू हैव टू प्लान द टाइम अवेलेबिलिटी एंड टाइम एलोकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि मान लीजिए मैं मानता हूं कि यार 35 दिन है, एक एवरेज बच्चा दिन में 12 घंटा पढ़ेगा, कुछ बच्चे 15 घंटे भी पढ़ेंगे, कुछ 8 घंटे भी पढ़ेंगे, आपके ऐसे दिन आएंगे कि आप 15 घंटे भी पढ़ोगे जोश जोश में और दूसरे दिन 6 घंटे भी पढ़ोगे, बट एवरेज आउट करके 12 घंटा, ठीक है। तो आपके पास 12 घंटे हैं और आपके पास 35 दिन है, यानी आपके पास 420 आवर्स है, और आपने जो भी करना है इस 420 आवर्स में करना है, हर एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद सर आज ही आपने डिसाइड कर लेनी है, अब बिल्कुल डिले नहीं करना है कि आप सिंगल ग्रुप देने वाले हो या बोथ ग्रुप देने वाले हो, तो अकॉर्डिंगली दैट इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड। अगर आपके सारे सब्जेक्ट के क्लासेस हो चुके हैं, यू हैव कंप्लीटेड द क्लासेस ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ठीक है ना, सिर्फ रिविजन्स वगैरह बाकी है, तो आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। अभी भी क्लासेस वगैरह पेंडिंग है सर, तो मैं बोथ ग्रुप एडवाइस नहीं करूंगा, आपने सिंगल ग्रुप ही देना चाहिए। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया सर बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है, अब आपने क्या करना है, डिसाइड करना है अपने स्ट्रांग एंड वीक जोन्स, कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट में कम काम करने की जरूरत है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में मैं एग्जम्पशन टारगेट कर रहा हूं और किस सब्जेक्ट में मेरे को बस पास होना है। तो आपने ये सारी चीजें डिसाइड करनी होंगी एंड सब्जेक्ट के अंदर भी आपने टॉपिक वाइज एनालिसिस करना होगा। अभी आपको हो सकता है 4-5 घंटे आपका एक्स्ट्रा चला जाए इन चीजों में, बट बिलीव मी ये जो 4-5 घंटे आप लगाओगे ना, दिस इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज रादर एन इन्वेस्टमेंट दैट इज गोइंग टू यील्ड यू बेटर रिजल्ट्स। तो हर सब्जेक्ट के अंदर भी आपने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, वीक जोन क्या है। तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मान लीजिए ऑडिट है तो उसमें 15 चैप्टर्स हैं, ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, ये मेरा वीक जोन है। तो जो स्ट्रॉन्ग जोन है आपको पता है मुझे कंफर्ट है इसमें, तो इसमें रिविजन में कम टाइम देना है, और मेरा वीक जोन है तो रिविजन में ज्यादा टाइम देना है। जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसमें सीधा टेस्ट देना शुरू करना है, और जो वीक जोन है पहले उसके कॉन्सेप्ट में काम करना है, फिर टेस्ट देना शुरू करना है। तो अकॉर्डिंगली आपने बढ़िया से चीजों को प्लान करना है, और फिर आप जब रिविजन प्लान करोगे ना अपने ये बचे हुए दिन में, तो आपने तीन चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले सर आपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं फ्रॉम एनी टीचर्स मटेरियल यू आर फॉलोइंग। दूसरी चीज, आपने क्वेश्चंस को भी इनकॉर्पोरेट करना है अपने रिविजन साइकिल में। और तीसरी चीज, आपने एटलीस्ट कुछ टेस्ट भी इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने रिविजन साइकिल में, ठीक है जी। तो आपने तीन चीजों का ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना है, कहां से रिवाइज करना है, कौन से टीचर के बुक से रिवाइज करना है, जहां से अभी तक पढ़ते आए हो वहां से रिवाइज कीजिए। उसके अलावा क्वेश्चंस करने हैं, उसके अलावा टेस्ट देना है। अब सर क्वेश्चंस कितने करने हैं, टेस्ट कितने देने हैं, वो डिपेंड करता है कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, राइट। दैट डिपेंड्स अपॉन कि यू आर गिविंग ए सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप। अगर आप दे रहे हो बोथ ग्रुप तो आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, तब इन दैट सिचुएशन आप क्वेश्चंस थोड़े मोरे लिमिटेड कर पाओगे।
ठीक है, तो प्रैक्टिकल में तो उपाय नहीं है यार, प्रैक्टिकल में तो फिर भी कितना भी लिमिटेड कर लो, आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने ही होंगे प्रैक्टिकल के अंदर, तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन स्किप कर सकते हो और जो भी यूनिक क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी के अंदर अगर बात करें हम, ऑडिट की बात करें अगर हम, अगर आप बोध ग्रुप दे रहे हो तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट आई से स्टडी मैट का जो न्यू सिलेबस के बाद क्वेश्चंस दिया हुआ है हर चैप्टर में आप उतना कर लीजिएगा। मैंने भी आपको अलग से कंबाइंड पीडीएफ दिया जो कि अपना मेंटर में अवेलेबल है, जिसमें सारे न्यू सिलेबस के क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा कंपाइल किए हुए हैं, तो एटलीस्ट उतना कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी लगा लीजिएगा, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम अवेलेबिलिटी। और साथ में आपने टेस्ट की भी प्लानिंग करनी है, क्योंकि अगर टेस्ट दोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो अपने आपको एसेस नहीं कर रहे तो यू रियली डोंट नो कि एग्जाम में क्या होने वाला है, तो अभी से टेस्ट देना भी स्टार्ट करना है। अब टेस्ट कितने देने हैं सर, अगेन डिपेंड्स अपॉन आप एक ग्रुप दे रहे हो बोथ ग्रुप दे रहे हो। एक ही ग्रुप दे रहे हो मैं एडवाइस करूंगा प्रॉपर चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, दैट इज अवेलेबल एट अपना मेंटर। और अगर आपने बोथ ग्रुप्स देना है तो शायद चैप्टर वाइज टेस्ट अभी पॉसिबल नहीं होगा, अगर आपने देना स्टार्ट नहीं किया है तो आप 100 मार्क का टेस्ट दे दीजिए, एटलीस्ट 100 मार्क का टेस्ट दे दीजिए फॉर एवरी सब्जेक्ट, एंड जो सब्जेक्ट्स आपको वीक लग रहे हैं तो उनमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्लानिंग कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है, आपको इस 12 घंटे के शेड्यूल में एटलीस्ट 45 मिनट 50 मिनट टेस्ट के लिए देना होगा, या फिर एटलीस्ट आपको दो टेस्ट तीन टेस्ट प्लान करने होंगे तीन तीन घंटे का स्लॉट निकालकर, उस दिन भले ही आप 12 की जगह 15 घंटे पढ़ाई करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना इंपॉर्टेंट रिविजन करना है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट टेस्ट देना भी है, ठीक है। अब आप क्या करो, सर टाइम एलोकेशन कर लो। मान लीजिए आप एक ग्रुप दे रहे हो, सपोज मान लीजिए आप एक ग्रुप दे रहे हो, आपके पास 420 घंटे हैं, तब अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिए, ठीक है यार ऑडिट में 30% टाइम एलोकेट करता हूं, एफआरएएफएम में 70% करता हूं, ये ऑडिट में 25% करता हूं, एफआरएएफएम में 75% करता हूं, किस तरीके से आपने करना है। ये ऑडिट में 15% टाइम एलोकेट करता हूं और एफआरएएफएम में 85% टाइम एलोकेट करता हूं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड आपने अभी तक कितना पढ़ रखा है किस सब्जेक्ट को। ऐसा भी हो सकता है कि FRAFM के क्लासेस वगैरह सब कंप्लीट है, रिविजन्स चालू है और ऑडिट का भी क्लासेस भी देखना रह गया, और क्लासेस देखना भी जरूरी है क्योंकि न्यू सिलेबस है, तो मान लीजिए आपने ऑडिट का फास्टर क्लासेस भी देखना रह गया, 100 घंटे की तो क्लासेस कंप्लीट करनी है फिर रिवाइज करना है, बट FRAFM का क्लासेस भी हो चुका है, रिविजन भी हो चुका है, तो वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप रिमेनिंग टाइम शेड्यूल में आप 60% ऑडिट को एलोकेट कर रहे हो, 40% FRAFM को कर रहे हो, तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर लोगे सर, टाइम एलोकेशन कर लोगे, अज्यूमिंग कि यू हैव कंप्लीटेड द कोचिंग्स फॉर ऑल द तीन सब्जेक्ट्स, तो अकॉर्डिंगली आप एफआर में 150 घंटे, एएफएम में 150 घंटे, ऑडिट में 120 घंटे, कुछ इस तरीके का टाइम एलोकेशन कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या जरूरी है कि आपने ना टॉपिक वाइज प्रिपरेशन भी असेस करना है, टॉपिक वाइज एफआर के चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए, एएफएम के चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए, ऑडिट के चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए, टैक्स के चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन को अपने असेस कीजिए, किस टॉपिक में मेरे को कितना आता है, तो आपको देख के आइडिया लगेगा अरे यार ये चैप्टर तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, रीड करूंगा काम चल जाएगा, उसमें लिख लेना आर जस्ट रीड एंड गो, फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो मेरे को बहुत ही अच्छे से आता है, या इसके अंदर तो बहुत रिपीटेशन है, या ये तो बहुत आसान है, एग्जाम से पहले 1.5 डेज में भी देखूंगा तो काम चल जाएगा, तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो। और कुछ चीजें होंगी कि अरे यार ये तो मेरे को याद ही नहीं रहता, ये तो मेरे को बहुत टेक्निकल लगता है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको एक्सप्लोर करो, ज्यादा अच्छे से करो। इसलिए आपने वो चीज आज ही असेस करनी है कि कौन से टॉपिक्स आपने रीड करने हैं, कौन से टॉपिक्स आपने स्किप करने हैं, कौन से टॉपिक्स आपने एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है। और आपने अपने प्रिपरेशंस में लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वेश्चंस भी प्लान कर लेना है कि लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वेश्चंस क्या क्या है। एक ही ग्रुप दे रहे हो तो पास्ट क्वेश्चंस कीजिए, पास्ट क्वेश्चंस करते वक्त जो भी रिपीटेशन है उसको काट दीजिए, या जो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहा है उसको काट दीजिए, जिन क्वेश्चंस में तकलीफ आ रही है उनको मार्क कीजिए ताकि आप अगली बार वही करेंगे। और बोथ ग्रुप दे रहे हो उतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट न्यू सिलेबस वाले क्वेश्चंस कर लीजिए। और वैसे तो मैं एडवाइस करूंगा चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना है, बट उतना टाइम नहीं है तो भैया 100 मार्क टेस्ट तो एटलीस्ट एक देना मैंडेटरी है। अब देखना सर, ये तो हो गया कि आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशंस को प्लान करोगे। अब याद रखिएगा हर दिन आपके लिए हाँ इस शेड्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जो प्लानिंग करोगे वो अपने हिसाब से करोगे, बेस्ट वही रहेगा। मैं आपको बोल दूंगा बेटा एफआर में इतना टाइम देना, ऑडिट में इतना देना, डीटी में इतना देना, सुबह इतने बजे उठकर पढ़ना, वो अनरियलिस्टिक बातें होंगी, बिकॉज हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का माइंड का कंडीशन अलग होता है, हर बच्चे का आज तक का प्रिपरेशन लेवल अलग है, तो वो आपने करना है, मैंने सिर्फ आपको गाइड किया है कि आपने करना कैसे है। अब हर दिन के शेड्यूल में आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है, जिनको अगर आप ध्यान रख लोगे ना तो मतलब मजा आ जाएगा प्रिपरेशंस में, इतनी गारंटी दे सकता हूं मैं। सबसे पहले याद रखिएगा यार, पढ़ता हर बच्चा है, पढ़ता हर बच्चा है, मेहनत हर बच्चा करता है, बट रिजल्ट्स कुछ को ही मिलता है। उसका कारण क्या है सर, मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी जर्नी में।
और ज्यादातर बच्चे ना इस मेंटल स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हैं, उसकी वजह से वो सीए का प्रेशर नहीं ले पाते एंड दे एकम टू द प्रेशर, दे सरेंडर टू द प्रेशर, और आते हुए भी वो क्या नहीं कर पाते सर, उतना रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाते। तो अपने को एक चीज समझना होगा कि मेंटल स्ट्रेंथ हमारी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिन का जो भी शेड्यूल बना रहे हो ना सर, 15 मिनट किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी को दीजिए, चाहे वॉकिंग को दीजिए, चाहे बैडमिंटन को दीजिए, किसी भी चीज को दीजिए। 5 मिनट एटलीस्ट मेडिटेशन को दीजिए। 7 आवर्स का प्रॉपर स्लीप होना ही होना चाहिए, 7 आवर्स का प्रॉपर स्लीप होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट इट मस्ट बी 6 आवर्स फॉर बॉयज एंड 7 आवर्स फॉर गर्ल्स, उतना तो होना ही होना चाहिए। और प्रॉपर होमली फूड, ये कुछ आपको बचकानी बातें लग रही होंगी बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कीप योर माइंड एंड बॉडी एक्टिव। प्रॉपर होमली फूड, ठीक है ना, जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है अपने को इस पर्टिकुलर जर्नी में, वो अपने बॉडी को डाउन ले आता है। ठंडा वगैरह अवॉइड करना है, गला खराब हो जाएगा तो अगेन क्या होगा, पहनने में भी तकलीफ होगी। उसके बाद आपने डिसाइड करना है सर, आपने किसी को ना कॉपी नहीं करना है, याद रखिएगा आप कॉपी कैट नहीं है। अरे यार मेरा दोस्त सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, इस टीचर ने 4 बजे उठ के पढ़ने के लिए बोला, मैं भी 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, नहीं, आप कॉपी कैट आपने नहीं बनना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपने डिसाइड करना है कि वेदर यू आर ए अर्ली बर्ड और यू आर ए नाइट ऑल। कुछ बच्चे सुबह उठकर बहुत अच्छा रिजल्ट्स अचीव करते हैं, कुछ बच्चे रात को लेट पढ़कर बहुत अच्छा अचीव करते हैं। तो किसी टीचर ने बोला बेटा सुबह उठकर पढ़ना है तो सुबह उठकर ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको रात को मजा आता है पढ़ने में, आप रात में पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो डिसाइड वेदर यू आर अर्ली बर्ड और नाइट आउल एंड प्लान अकॉर्डिंगली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर दिन का सर रियलिस्टिक टारगेट सेट कीजिए। कभी कभी अपन क्या करते हैं अपने प्लानिंग में, अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं, वो अचीव होता नहीं है, डेली बेसिस में टारगेट्स के पीछे रहते हैं अपन, और अपन डीमोटिवेट होते हैं, अपना माइंड नेगेटिव होता है। तो रियलिस्टिक टारगेट सेट करें, मेहनत करें, उन टारगेट्स को अचीव करें, टिक करें, जब टारगेट अचीव हो जाएगा अपने आपको रिवार्ड करें विद समथिंग एंड यू विल फील दैट, हाँ ठीक है कुछ कर रहे हैं यार अपन लाइफ में। देन प्लान ए 35 डेज शेड्यूल फर्स्ट, पहले तक 35 दिन का शेड्यूल बना लो, इस ये सब्जेक्ट को इतना टाइम, ये सब्जेक्ट को इतना टाइम, ये सब्जेक्ट को इतना टाइम, ये सब्जेक्ट इतना दिन, ठीक है ना। एक दिन में 2 थ्योरी पढ़ूंगा, 1 प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल पढ़ूंगा, 1 थ्योरी पढ़ूंगा, या मैं 4-4 दिन का शेड्यूल बनाऊंगा कि 4 दिन ऑडिट पढ़ने वाला हूं, 5 दिन AFM पढ़ने वाला हूं, अपने कंफर्ट के हिसाब से वो चीज सेट कीजिए। बट उसके बाद आपने एक 35 दिन का शेड्यूल बना लिया ना, वो एक ओवरऑल शेड्यूल है। फिर अपने शेड्यूल को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कीजिए और छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए कि कल का क्या टारगेट रहने वाला है, परसों का क्या टारगेट रहने वाला है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस हफ्ते का क्या टारगेट रहने वाला है, उसके दूर का मत सोचिए, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मटेरियल्स आज तक आप पढ़ते आ रहे हो, स्टक टू द मटेरियल्स यू हैव बीन फॉलोइंग, अभी अपने स्टडी मटेरियल को प्रेफरेबल पॉसिबल चेंज मत कीजिए। और आपको 1.5 डेज में रिवाइज कैसे करना है सर, उसको अभी से प्लान कीजिए। ऑडिट में इस बार आपको रिवीजन में तकलीफ नहीं आएगा क्योंकि 3 दिन का टाइम है ऑडिट के लिए, बोलकर मैं एडवाइस करूंगा ऑडिट में कोई समरी वगैरह के लिए मत जाओ फॉर द May 24 अटेम्प्ट। द कारण इज, द रीजन इज कि इस बार 3 दिन का टाइम है ऑडिट के लिए, तो समरी वगैरह में क्यों जाना, आप प्रॉपर मटेरियल को रेफर करें इस बार, ठीक है। उसके बाद सर सोशल मीडिया से दूर रहिए, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आते हैं, तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। आई डू अंडरस्टैंड कि आपने रिवीजन वीडियोस देखने होते हैं, दैट हैज बिकम ए वेरी इंटीग्रल पार्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। तो अपना टाइम स्लॉट फिक्स कर लीजिए कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मेरे को सोशल मीडिया खोलना है और मेरा कोई रिविजन वीडियो वगैरह आया रहेगा तो मुझे देखना है, तो आप अपने रिविजन वीडियोज का टाइम फिक्स कर लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया से दूर रहिए, फोन से दूर रहिए, दैट इज द बिग बिग डिस्ट्रक्शन आउट देयर, ठीक है। और लास्टली एक चीज याद रखिए, हर दिन एक नया दिन है, डोंट ट्राई टू ओवर कंपेंसेट। कभी कभी क्या होता है, आज एक दिन पढ़ाई नहीं हुआ, अगले दिन आप एकदम बावले हो जाते हैं, ओवर कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं, और उस ओवर कंपेंसेशन के प्रेशर में आप अगले दिन भी अच्छा टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो आप ज्यादा ओवर कंपेंसेट कोशिश करने की कोशिश मत कीजिए, हर दिन एक नया दिन है, एक दिन टारगेट सेट मीट नहीं भी होता है तो अगले दिन का रिवाइज टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए। याद रखिएगा 100% अपने शेड्यूल के हिसाब से किसी को नहीं मिलने वाला, 100% सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं मिलने वाला, 100% जिस तरीके से आप सोच रहे हो किसी का नहीं होने वाला। सीए का एग्जाम है, बॉस चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन आपने हर दिन एक नया दिन मानना है एंड अकॉर्डिंगली अपने अपने को मेंटली स्ट्रांग रख के इस जर्नी में आगे बढ़ना है। And believe me, if you are mentally strong, if you are sticking to this time schedule, if you are following the guidelines, तो ये जो आखिरी 35 दिन है ये डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। इरिस्पेक्टिव कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, ये 35 दिन आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं सर। आपने अभी तक कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है, तब भी इस 35 दिन में हो सकता है आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लो, और आपने अभी तक बहुत अच्छा भी पढ़ाई किया है तो हो सकता है कि इस 35 दिन में आपका सारा पढ़ावा वेस्ट हो जाए अगर आपने चीजों को अच्छे से प्लान नहीं किया है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप इन बातों को फॉलो करेंगे एंड इस चीज से बेनिफिट उठाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, डू स्टे कनेक्टेड इन द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, मोर सच कंटेंट, एंड यस द रिवीजन वीडियोस ऑफ ऑडिटिंग।